एक्स मुस्लिम समीर गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुरान का छोटी मोटी किताब है, इसका मतलब कि मुसलमान कमजोर है, उलमा हमारे बेकार हैं, हटाओ बेसर में वो कुर्सियों से। उकसा रहे हैं आप भाई? भाई एफ आई आर करने के लिए उकसा रहा हूँ भाई। आप एफ आई आर तो करो, सड़कों पे तो आओ, मुश्किल से मुश्किल एक साल रुक जाओ, या तो इसका मुंह सुअर जैसा हो जाएगा या तो ये जिंदा ही नहीं रहेगा। लिख लो एक्स मुस्लिम समीर, जिन जिनने कुरान को बेअदबी किया है जाके उसका हश्र देखो। जिसने जिसने जाके मस्जिद तोड़ी थी, जामा मस्जिद जहाँ पे मंदिर बना भी नहीं है, वो भी मुसलमान हो गया। तो देखो किसी को तंग मत करो। अभी दुबई देखो डूबा, जिसको जितना दबाओगे उछल जाएगा। दुबई डूबा, फिर बागेश्वर वाले बाबा पहुँच गए, अब फिर डूबेगा। आज जब मुसलमानों को गुस्सा आ रहा है, या गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था, या गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब पैसे उड़ाने के लिए पठान में थे पर फिलिस्तीन भेजने के लिए नहीं थी? आज भी यहाँ पे कई अवैसी साहब को देख लीजिए, और भी एक तो हैं, वो कितने फिलिस्तीन में मदद कर रहा है, लेकिन हमारे सारे बाकी में मुसलमान सो रहे हैं। आप कुरान जल गई है, चार दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। नमाजी को लात मारी जाएगी, चार दिन चिल्लाई पूरी होनी चाहिए। नहीं कौन करवाया कर, मौलाना उलमा चुप बैठे हैं। जिस दिन मैंने तर्जुमे के साथ उर्दू वर्ड के साथ कुरान पढ़ के बताना शुरू कर दिया, सारे मौलाना को छुट्टी हो जाएगी। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जो एक्स मुस्लिम समीर के नाम से सोशल मीडिया चलाता है, वो लाइव आकर यूट्यूब पे अपने सोशल मीडिया पे कुरान की बेअदबी करता है, उस पर पैर रखता है, उसके पन्ने भी फाड़ते हैं, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब ये देते हैं। क्या कहेंगे इस पर साधु संत, कुछ कहेंगे कि मौन ही धारण करेंगे? देखिए कहीं ना कहीं ये एक बार तो हुआ नहीं है, इसको इन लोग को हौसला कौन दे रहा है? अभी पोलैंड हॉलैंड में जली, उसके बाद अब तो ये यूट मतलब कुरान को मजाक बना दिया गया। कुरान कोई सड़क चढ़ती हुई किताब थोड़ी ना है, आसमानी किताब है। जैसे देखिए बहुत फैशन बना दिया गया है किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अपमान कर देना सड़कों पे, उसे चाहे रामायण हो, कुरान हो, गीता हो। जितना आप कुरान को जलाओगे दबाओगे, अभी आपको पता चला चाइना संत इस कृत्य का विरोध करेंगे? विरोध करेंगे, देखिए हम लोग विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और कहीं ना कहीं एक ठोस कानून बनाने की मांग करते हैं कि किसी भी धार्मिक किताब को कोई जला ना सके। और जहाँ तक एक्स मुस्लिम समीर की बात है, फांसी तो होनी ही चाहिए। फांसी और क्या भाई, आप एक इसके इनके एक ये काम करने से दंगा होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, तो लाखों लोगों की हत्यारा क्या माना जाएगा? हत्या तो माना जाएगा। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और ये वही कर सकते हैं जो सच में रामायण गीता और शास्त्रों को नहीं पढ़े हैं। ये तो अल्लाह के प्यारे नबी की और अल्लाह की रहमत को कौन ठुकरा सकता है, कौन कुरान को जला सकता है? अब मैं देखिए कुरान मंदिर पे रखता हूँ, देखिए दिखाइए कैमरे में, इधर दिखाइए कुरान आप रखे हुए मंदिर के पास। एक ऐसे संत भी हैं, मैं मंदिर पे रखा हूँ कुरान और गीता के बगल में, और एक लोग जला रहे हैं, इसका मतलब कि या तो इस टाइम चुनाव टाइम पे, अब अगर इनका मामतार कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी से जुड़ा तो समझ जाओ तो ये पुराना खेल है। आज जब मुसलमानों को गुस्सा आ रहा है, या गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था, या गुस्सा तब क्यों नहीं आया जब पैसे उड़ाने के लिए पठान में थे पर फिलिस्तीन भेजने के लिए नहीं थी? आज भी यहाँ पे कई अवैसी साहब को देख लीजिए, और भी एक तो हैं, वो कितने फिलिस्तीन में मदद कर रहा है, लेकिन हमारे सारे बाकी में मुसलमान सो रहे हैं। आप कुरान जल गई है, चार दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। नमाजी को लात मारी जाएगी, चार दिन चिल्लाई पूरी होनी चाहिए। नहीं कौन करवाया कर, मौलाना उलमा चुप बैठे हैं। जिस दिन मैंने तर्जुमे के साथ उर्दू वर्ड के साथ कुरान पढ़ के बताना शुरू कर दिया, सारे मौलाना को छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए मैं ना पढ़ेंगे, इसीलिए मैं उतना ही बताता हूँ कि जैसे इनकी छुट्टी ना हो, ये बने रहें, इनकी इज्जत बरकरार रहे। मतलब नॉलेज कुरान शरीफ की पूरा है, कोई भी लायक के नहीं है, ये कोई भी लायक के नहीं है। आप क्यों पढ़ रहे हैं कुरान? एक भी मौलाना नहीं गया एफआईआर कराने। आप क्यों कुरान पढ़ रहे हैं? बात तो ये भी सवाल उठता है। बात ये है ना कि जब आपको कहा जाए कि ये चीज आपको गलत रास्ते पे ले जा रही है, तो ला भाई अब देख लेते हैं। भाई मैंने तो आज तक आपने पूरा कुरान पढ़ा? कहीं माट का मार काट लिखा हुआ है? भाई जिहादी जिहादी करते हैं, जिहाद का मतलब पढ़ लिए जाके। क्या है जिहाद का मतलब? जिहाद का मतलब है शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करना। जिहाद का मतलब, अरे भाई किसी को गलत निगाह से ना देना भी जिहाद है, पानी ना पीना भी जिहाद है। जिहाद कई तरीके का है, लेकिन ये लोग काट मार को जिहाद में नहीं शामिल किया। देखिए आज नॉलेज की कमी है, ये मौलाना बैठ जाएंगे ऐसे पान खा के, इनको तो कुछ करना है नहीं।
आप कुरान शरीफ पढ़े हैं? लेकिन चार बार जामा मस्जिद गया। अच्छा, भगाया तो नहीं किसी ने? चार बार जामा मस्जिद गया दिया होगा। क्या वहाँ के इमाम के पास 10 मिनट का वक्त भी नहीं था? क्यों भाईचारा को बड़ा भाई किससे डर रहे हैं? वो क्यों नहीं मिले हमसे? अब गए थे, चार पांच बार जा चुका हूँ। अब वहाँ लोगों से प्यार भी मिला, लेकिन मौलाना साहब नहीं निकल सकते, हाई सिक्योरिटी में रहते हैं ना, तो क्या निकलेंगे अपने बंदों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, जब ये हमसे नहीं मिल सकते? आप सोचिए ना। तो ये कमी हमारे यहाँ के मौलानाओं की है। अब मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि नमाज हक दुआ पे आ जाओ, अब कुरान की हिफाजत करो। कुरान की हिफाजत ज़रूरी है, हमें बताइए, अगर हिफाजत नहीं, हमारे लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एक संत ये बात कह रहा है तो ये बड़ा। मुसलमान एक बात ध्यान ले, अब पूरा विश्व जान ले, कुरान पूरी ख़त्म कर दो, पूरी धरती से ही ख़त्म कर दो, फिर भी कुरान दिल में है, फिर कुरान लिख जाएगी। एक एक नुक्ता और नुक्ता चेंज नहीं होगा। कुरान एक ऐसी किताब है जिसका एक भी पॉइंट, मतलब एक भी जरा कहीं से चेंज नहीं है, कहीं भी नहीं है, और वो एक आसमानी किताब है। देखिए, लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के समय में ही आई थी, वो अल्लाह के प्यारे नबी थे, और समझ लीजिए कि पूरे उम्मत के नबी हैं वो। काफ़ी पढ़े हैं आप, काफ़ी पढ़े हैं भाई। देखिए, पढ़ना पड़ेगा, ये आतंकवादी बताते हैं मुसलमान, ये कहते हैं नबी ने कम उम्र में शादी कर ली। भाई राम का विवाह भी सीधा 14 वर्ष में ही हुआ था, ये पुराने वक्त की बात है, अभी 200 साल पहले अंग्रेजों के टाइम पे फूलमती 8 साल की थी, लड़का जो है आपका 22 साल का था, अंग्रेजों ने कानून लाना पड़ गया था। तो ये अंधभक्ति है जो, और मालूम है आपको, उसके समर्थन पे स्पेस बन रही है, ये संगी मानसिकता वाले लोग, उन लोग हैं ये जो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो कुरान की बेदबी कर रहे हैं। संगी गोबर खान, आप जो है वो साधु संत हैं, तो फिर आप क्यों, ये भी सवाल उठ जाएगा। देखिए, आपका भी विरोध होगा। मैं एक बात बता दूं, जब राम मंदिर का मामला आया था तो भी मैं चढ़ के बोला हूँ, अगर हम राम के लिए चढ़ के गर्दन कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाएंगे, कुरान के लिए भी कटवाएंगे। ये मुल्क सारे धर्मों का सार है, और हम सभी धर्मों के हैं, क्योंकि हम मलंग और फकीर हैं, हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, हमारे लिए है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। कुरान में इंसानियत की बातें हैं, अल्लाह की कही हुई बातें हैं, और उसकी बेहद भी अब देखिएगा, मुश्किल से मुश्किल 1 साल रुक जाओ, या तो इसका मुंह सुअर जैसा हो जाएगा, या तो ये जिंदा ही नहीं रहेगा, लिख लो। एक मुस्लिम समीर, जिनने कुरान को बेअदबी की है, जाके उसका हश्र देखो, जिसने जाके मस्जिद तोड़ी थी, जामा मस्जिद जहाँ मंदिर बना भी नहीं है, वो भी मुसलमान हो गया। तो देखो, किसी को तंग मत करो। अभी दुबई देखो डूबा, जिसको जितना दबाओगे उछल जाएगा वो। दुबई डूबा, फिर बागेश्वरम वाले बाबा पहुँच गए, अब फिर डूबेगा। भाई अगर आप अल्लाह से बड़ा बनना चाहोगे तो आप मिटा दिए जाओगे, खत्म कर दोगे, फना कर दिए जाओगे, आप जिंदा नहीं रहे। किस स्थिति में देख रहे हैं, अजान नमाज कुरान इस सब पे टारगेट जो हो रहा है, किस ये दलाल बेशरम जाने वाले हैं, ये दंगा करवा के जाएंगे, इनकी कुटाई होने वाली है। एक्स मुस्लिम समीर गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कुरान का छोटी मोटी किताब है, इसका मतलब कि मुसलमान कमज़ोर है, उलमा हमारे बेकार हैं, हटाओ बेसर में वो कुर्सियों से। उकसा रहे हैं आप भाई? भाई एफ आई आर करने के लिए उकसा रहा हूँ भाई, आप एफ आई आर तो करो, सड़कों पे तो आओ। हम इमरान प्रताप गली से भी इस बारे में बात करेंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। भाई सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, पुरानी पार्टी में, तो अब बताइए क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, अब तक गिरफ्तार नहीं, कहा जा रहा है कि वो उत्तराखंड के रहने वाला है। देखिए, उत्तराखंड में रहने वाला हो या पाकिस्तान का रहने वाला हो, हमें से मतलब नहीं है। अगर वो इस देश का नागरिक है, सजा मिलेगी उसको, साफ सीधी बात, सजा होनी चाहिए, बिल्कुल संत की मांग। और हमारे यहाँ तो मुसलमान ऐसे ऐसे हैं जो कतर से कैदी छुड़वा लाते हैं, शाहरुख खान, जब जयशंकर से पूछा गया कि शाहरुख खान का इन्वॉल्वमेंट है, तो कहें हाँ है, ये मोदी का ना है उसमें? नहीं नहीं, शाहरुख खान ने फोन किया है, शाहरुख खान ने छुड़वाया है। भाई देखो, हमारी बात देखो, हम एक संत हैं, हमने आज तक कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी नबी के खिलाफ नहीं बोला। अगर हम सऊदी से तो किसी धर्म के खिलाफ अभी नहीं नहीं, अगर बात आई है तो पोसेगी इस्लाम पे, तो अगर और नॉलेज भी है, अगर हम सऊदी से कोई अपील करेंगे सऊदी मानेगा, वही मोदी जी को थोड़ी ना कोई मानेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगता है कि आरएसएस डरी हुई है। अभी कुरान जलाई गई, अब कुरान इसलिए बार बार जलाई जा रही है कि मुसलमान इसे आम घटना समझना शुरू कर दे। जिस दिन मुसलमान इसे, देखो आज भी आम ही घटना मानी जा रही है, 2 दिन हुआ ठंडा हो गया, पोलैंड में कुरान जलाई गई, कौन बोला था? कोई मौलाना चढ़ के बयान दिया इस पर?
नहीं दिया, हमने बोलना पड़ा। लेकिन जब भी कुरान नबी के व्युणमति होती है आप उठते हैं, आवाज़ उठाते हैं और एक अंदर से एक भाव आपके जो जगता है वो भी कैमरे में कई बार भावुक हो जाता है। देखिए आप अगर नबी को पढ़ें तो आप इतना रोएंगे कि शायद समंदर भी कम पड़ जाए आपके आंसुओं से, क्योंकि वो जब चलते थे उनकी हर एक बातों में आपको कहीं ना कहीं जीवन की एक सीख मिलेगी। लोग उनको गाली देते हुए जाते हैं, वो उनका बोझ भी उठाए हैं। सबर देखिए, एक दादी कूड़ा फेंकती है, सबर देखिए। बेटियों को यहाँ पे हक दिलाया, सबर देखिए। अपनी बेटी से अपनी उम्मत चलाई, सबर देखिए। तो इन सब बातों को नकारा जा सकता है? हम क्या राम को नकार सकते हैं? मोदी को भगवान मान लें तो क्या हम नबी को नकार सकते हैं? सोचिए आप, क्या राम के वन जाने की घटना को हम भूल सकते हैं? तो जब हम राम को नहीं भूल सकते तो हम नबी को क्यों भूले? और जब कुरान की बात आए, एक तो कुरान पढ़ने के लिए लोगों के पास नहीं है, जलाने के लिए कैसे मिल जा रही है? इसका मतलब कि हमारे मौलानाओं ने प्रचार कम कर दिया इस्लाम का। आप अदर कंट्रियों में देखिए इस्लाम की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? कन्वर्जन रेट उधर ज़्यादा है। कन्वर्जन रेट नहीं हो, कम से कम वो आप उनको सहमत तो कर सके कि इस्लाम आतंकवादी धर्म नहीं है। इस्लाम के खिलाफ जो फैलाया जाता है वो कम से कम उसका तो काउंटर करो। उसके काउंटर करने के लिए आप पान खा लोगे, जब पान खा लोगे तो बोलोगे क्या? ये सारे मुसलमानों की गलती है और ये इसका अंजाम भी मुसलमानों को भोगना पड़ रहा है। एक तो बोल रहे थे जाकिर नायक चले गए, जाकिर नायक चले जाते अभी, लेकिन बोल रहे थे ना, अभी बोल रहे हैं ना, कहीं भी जाके बोलो। आज अगर आपको अपने आपको वतन आपको अपनी जान प्यारी है या इस्लाम प्यारा है, बात तो ये है भाई। मुझे तो इस्लाम प्यारा है, जान नहीं आपको इस्लाम प्यारा है? इस्लाम प्यारा है, इस्लाम प्यारा है, धर्म प्यारा है। हमें धर्म प्यारा है भाई, हमें कुरान प्यारी है, गीता प्यारी है, हम उसी सिद्धांतों पे चलते हैं, हम इन्हीं सिद्धांतों पे चलेंगे। हमें जान नहीं प्यारी, जान तो फिर ऊपर वाला भेज देगा, काम अच्छा रहेगा तो फिर भेज देगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज भी फिलिस्तीन के लोग एक मस्जिद और एक कुरान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जब भी आप बात करोगे आंखें नम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का दृश्य ऐसा है कि आप देख नहीं पाओगे। वो मुसलमान नहीं है क्या? वो नबी के नहीं हैं? वो तो चिल्ला रहे हैं कि अरबियों कहाँ हो, फिर भी कोई उनके पास पहुँचा, फिर भी वो अपनी जंग लड़ रहे हैं ना। यहाँ के मुसलमानों को कोई सड़कों में निकलने के लिए बोला? मस्जिदों से कोई ऐलान हुआ? कोई विरोध दर्ज हुआ? किसी ने कुरान जला दी, हम खुश होकर देख रहे हैं। अरे कैसे लोग हो कमज़ोर तुम लोग, जो तुम लोग अपनी ही किताबों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको डर लग रहा हो तो हमें ले चलो, हम चलेंगे। आप अपने नाम पे भाई क्या करेंगे आप भाई? FIR कराई जाए, उसे बंद कराया जाए। भावुक आंख में आंसू आंसू आ गए हैं। आप ये बताइए, इस तरह से किसी भी धार्मिक किताब को अगर आप जलाएंगे, कोई बार पैर भी रखेंगे, रो क्यों रहे हैं आप? अरे रोने की बात ही है, अगर देश में धर्म ही नहीं रहेगा या किताबें ही नहीं रहेंगी तो लोग जानवर हो जाएंगे, जैसे कि आज हो चुके हैं। वो भूल जाएगा सबक की गरीब बगल वाला भूखा हो तुम खाना खाए ले, वो सबक चला जाएगा, वो महिलाओं की इज्जत। रोइए मत कम से कम। अरे ये समय रोने का नहीं है, ये समय तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने उस दृश्य को यूट्यूब में देखा होता तो उस वक्त मैं हिंसात्मक नहीं हूँ, मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ या तो उसे ख़त्म कर देता या खुद ख़त्म हो जाता। इतना बड़ा मैं दावा इस चैनल पे कर रहा हूँ। भावना इस हद तक आपकी आहत हो गई है? सबकी आहत है, और सारे लोग भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, जो राम की भेद भी करेगा, जो रामायण की भेद भी करेंगे, जो कुरान करेंगे, सब भाजपा के लोग ही होते हैं। इसीलिए उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उत्तराखंड सरकार जब हल्द्वानी में जाकर बुलडोजर चला सकती है तो क्या उसके मकान में बुलडोजर चलेगा? क्या जो अभी अभी हिंसा हो जाए, लाखों मुसलमान मरेंगे, लाखों हिंदू मरेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन मतलब मुख्यमंत्री क्या नामर्द है? उसके पास कलम नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, बताए? तो इस तरह की घटना चुनाव के लिए कराई जाती है जिसमें लोगों का कत्ल होता है, और नबी ने अल्लाह ने कुरान ने राम ने और रामायण ने कभी कत्ल करने के लिए नहीं कहा। ये आप सोच लीजिए, दुख होता है, दिल दुखता है कि आज हमारे देश के युवा, खासकर युवा देखिए कहाँ हो गए, जिनके जवानी का ही से क्या प्रार्थना करेंगे, क्या अपील?
हम तो भगवान से और अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि भेजो किसी नबी को, किसी दूत को, और मिटाओ ऐसे लोगों को ये। और लेकिन मैं आपको ये दावा कर दूं, जितना पूरा विश्व इस्लाम के पीछे पड़ेगा, इस्लाम उतनी ही तेज़ी से फैलेगा। ये चैलेंज के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा थे, इंटरव्यू के दौरान ये भावुक हो गए और कुरान की बहुत जानकारी ये रखते हैं ऐसा मालूम पड़ता है। तो फिलहाल वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियोस में। बहुत धन्यवाद।